ये हसी वादियाँ, ये सन्नाटा, कभी देव भूमि का ये स्वर्ग गुलजार होता था पर्यटकों से। सुहावने इस गुलाबी मौसम में चाय की थड़ियों पर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ होती थी। ये खाली कुर्सियाँ काफी हैं ये बताने के लिए कि आखिर धनौल्टी में यहाँ के व्यापारी वर्ग को क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो पर्यटक आ रहे हैं वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की हुई फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर रहे हैं। तीन फॉर्मेलिटीज बताई गई हैं जिनको पूरा करके ही वो यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ तक पहुँच रहे हैं और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है धनौल्टी के व्यापारी वर्ग को, जो पिछले दो साल से परेशान हैं क्योंकि कोविड के लॉकडाउन के दौरान जिनकी भी आजीविका इस बिजनेस से चलती थी वो पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुके हैं। कोरोना के काल में पर्यटन नगरी में लोगों को परेशान कर दिया, यहाँ के व्यवसायियों के पेशानी पर बल डाल दिया, चिंता खड़ी हो गई चूल्हे जलने की, और इसके जिम्मेदार इन जैसे लापरवाह लोग हैं। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ बिना मास्क के मस्त होकर घूम रहे हैं, लेकिन इनकी लापरवाही इन मजलूमों, रोज कमाने खाने वालों पर टूट रही है। यहाँ तो मुझे हुए 6-7 साल, 6-7 सालों में इतना कम टूरिस्ट कभी देखने को मिला आपको? ना, पहले तो काफी आते थे, कोरोना की वजह से तो कम हो ही गए ऑटोमेटिक हो गए, तो फिर भी अब आ रहे हैं जिस दिन से लॉकडाउन खुला ना 1 तारीख से। रेस्टोरेंट को संचालित करने वाले यशपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी, खाली सा हो गया बिल्कुल एकदम, क्या वजह है और क्या है? अच्छा खासा टूरिस्ट चल रहा था 2-4 दिन से, मतलब जो ये न्यूज़ आई है आपकी कैंपटी फॉल्स में कि काफ़ी क्राउड आ रहा टूरिस्ट, और ये जो कोविड-19 का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और रातादून ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है, तो इस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। नहीं तो अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, लेकिन 2-4 दिन से जो ये न्यूज़ चैनल की वजह से तो क्राउड कम हो गया है। धनौल्टी के बाद हमारे सहयोगी इको पार्क का जायजा लेने पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि क्या हमेशा की तरह लोगों की चहलकदमी है, क्या सरकार ने जो नियम बनाए हैं लोग उनको मान रहे हैं। तो मैम, धनौल्टी के इको पार्क में यहाँ मौजूद हैं। आमतौर पर ये जो वक्त है यहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन चूंकि जिस तरीके से कोविड काल के दौरान धनौल्टी में बिल्कुल अकाल सा पड़ गया था और उसके बाद जब अचानक कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई तो काफ़ी लोगों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन नियमों की अनदेखी करने के बाद जब चेक पोस्ट बनाया गया तो वहाँ पर सभी तीन चीज़ों अनिवार्य कर दी गई, जिसमें होटल रिजर्वेशन और कोविड की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी था। ऐसे में यहाँ बिल्कुल खाली सा है क्योंकि सभी लोग रिपोर्ट्स लेकर यहाँ नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस बॉर्डर से ही सबको वापस कर रही है। यहाँ कुछ बच्चे ज़रूर हैं जो बच्चे आनंद ले रहे हैं क्योंकि सभी नियमों का पालन करते हुए ये लोग आए हैं यहाँ पर, और ऐसे में ये एक संदेश भी दे रहे हैं कि जब हम सब लोग सभी नियमों का पालन करते हुए यहाँ धनौल्टी में पहुँच सकते हैं तो बाकी की और लोग क्यों नहीं पहुँच सकते। कभी ये पार्क भी पर्यटकों से चहकता रहता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वजह वही लापरवाही। ऐसा नहीं है कि लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की जाती है, समझाया जाता है कभी प्यार से, कभी डंडे के जोर से। इको पार्क में है लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और यहाँ के स्टाफ के द्वारा बार बार बताया भी जा रहा है कि मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है तभी आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस बात को मान नहीं रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति बेलवाल। ये आपके द्वारा बताया जा रहा है मास्क पहनकर आना है, ज़रूरी भी है, तो क्यों नहीं मान रहे और क्या आप लोग कर रहे हैं इसके लिए? सर, हम तो जितना जागरूक हो सकता है लोगों को कर रहे हैं कि मास्क जरूरी है क्योंकि अभी बीमारी गई नहीं है। है क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, लोगों ने एकदम अपने आप को फ्री कर दिया था, दोबारा इतने बहुत ज़्यादा उससे है, पर लोग मान नहीं रहे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग माने इस चीज़ को। नहीं तो ऐसे लोगों की क्या आप एंट्री बंद नहीं कर सकते जो लोग नियमों को मानने? काफ़ी हद तक करते हैं कि लोग ना आए। हमने बाहर पे बोर्ड भी लगाया हुआ कि एंट्री तभी होगी अगर आप वो कर रहे हो, मास्क लगा के रखें, उचित दूरी बनाए रखें, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानने को तैयार होते हैं। आपकी तरफ से ऐसे लोगों के लिए कोई चालान काटने की व्यवस्था की गई है? हमारी तरफ से तो नहीं, पर हम प्रशासन से बात करते हैं इस मामले में। पुलिस टाइम टू टाइम आती है, चालान करती है अपना, उनको काफी फाइन भरना पड़ता है, पर फिर भी नहीं मानते, उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हम। तो वहीं सिक्को पार्क में खेलते हुए कुछ बच्चे भी मिले, बिल्कुल अलहड़ मासूम इन छोटे बच्चों में बड़ों से ज्यादा समझ भी मिली, जो हम सबको संदेश भी देते हैं कि मास्क है जरूरी। धनौल्टी में आए इन बच्चों से सीखने की जरूरत है। आप देखिए, तीन बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन तीनों के चेहरों पर प्रॉपर अच्छे तरीके से मास्क लगा हुआ है। इन्होंने यहाँ
बाकायदा धनोल्टी पार्क का आनंद लिया, लेकिन उसके बाद भी सभी नियमों को पालन करते हुए ये इस पार्क में घूम रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पूर्वी। पूर्वी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड। यहाँ कब आए घूमने? हम अब कल परसों ही आए थे, कल आए। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। और बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशी शोकम। प्रियांशी, धनोल्टी में पहली बार आए आप? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और दिल्ली की गर्मी और यहाँ में क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मास्क पहना हुआ है आपने, तो ये अच्छी बात है सबके लिए। कुछ बोलना चाहेंगे सबसे? मास्क बहुत जरूरी है अगर हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो, इससे संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। बेटा आपका क्या नाम है? यश शोकिन। यश, जरा बताइए सबको कि मास्क क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी करता है, वो हमें कोरोना से भी बचाता है। बहुत बढ़िया। देखिए ये सब बच्चों से सीखने की जरूरत है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है। इस छोटी उम्र में ये बच्चे प्रॉपर मास्क पहनकर यहाँ पर घूम रहे हैं, पार्क का आनंद ले रहे हैं। दरअसल देश में भीषण गर्मी और कोविड कर्फ्यू में मिली ढील के बाद पूरे देश में पर्यटकों ने पहाड़ की ओर रुख किया, जिससे उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नतीजा ये हुआ कि कोविड नियमों की धज्जियां उड़ गई और उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर इतनी भीड़ इकट्ठा होने लगी कि प्रशासन के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए। कई वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्ती शुरू की और उत्तराखंड आने के लिए कोविड रिपोर्ट के साथ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ होटल बुकिंग भी जरूरी कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब तक मसूरी और धनौल्टी आने वाले हजारों वाहनों को वापस भेज दिया गया और फिर से यहाँ के लोग और व्यवसायी मायूस हैं। कुछ देर की खुशियों के बाद तकलीफ का पहरा है, लेकिन इस सब पर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट के जरिए हमारी कोशिश है आपको चेताने की, क्योंकि ऐसे जोखिम न केवल आपको खतरे में डाल रहे हैं बल्कि और लोगों का सुख चैन भी छीन रहे हैं। देहरादून से दिलीप राठौर की रिपोर्ट, यूपी तक।